बढ़ जाएगा। हमें भी कोई बोलेगा नहीं यार वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ ये चार मतलब क्लासेस कह लो कि चार साल उनकी जिंदगी के ऐसे होते हैं ना जो उनको कहीं भी लेके जा सकते हैं, और यही चार साल ऐसे होते हैं जहां पे वो पूरी दुनिया देख नहीं मान पाओगे। एक चीज जो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं वो ये है, चाहे आप जितना मर्जी बिजी हो, आठ से आठ भी 12 घंटे की जॉब तुम का खाना बना रहे हो, उसके बावजूद भी रात को 6-7-8 घंटे की नींद सब लोग सिर्फ आधा एक घंटा निकालिए अपने बच्चे के साथ बैठ कर, और अगर उतना असर उन लोगों पे हो रहा है तो क्या तुम वो ये तो भी टाइम रोक सकते हो, तब उनको बता सकते हो कि बेटा ऐसा करोगे या ऐसा सोच रहे हो बेशक करो, लेकिन एक बात याद रखना इन द एंड ये रिजल्ट। मैं शाम लाल बसंत कारपोरेट वार्ड नंबर 48, मेरे साथ मैडम लीला जम्बाल हैं जो कि चेयरपर्सन गोरखा साहब के, मेरे साथ बबीता राणा जी हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं ऑल जे एंड के गोरखा सभा की, ओम प्रकाश जी हैं जो एक्स चेयरमैन हैं गोरखा डोगरा सभा के, यश चौहान जी हमारे जो सीनियर हैं, और आज का जो अवेयरनेस कैंप है ये खास करके यूथ के लिए, जो यूथ हमारा नशे की ओर ना जाए उसे रिहेबिलिट, जो बच्चे नशे में चले गए हैं उनको कैसे रिहेबिलिटेट कर रहा है उसी के बारे में आज का अवेयरनेस कैंप है। अवेयरनेस कैंप में गरीबों में जहां पर जो टोपी गर्म टोपी और गर्म मफलर भी बांटे जा रहे हैं और दवाइयां भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, आज के कैंप का जो मेन जो मकसद है जो हमारी जो NGOs यहाँ आई हुई हैं उनकी ओर से है, और ये फ्री दवाइयाँ भी दी जा रही हैं, और बच्चों को खासकर से जो हमारे जो टारगेट ग्रुप है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे टारगेट ग्रुप होता है वो बच्चे हमारे नशों की ओर ना जाएं, उसी के लिए आज का ये कैंप है। मुझे पूरी उम्मीद है क्योंकि जिस देश का युवा स्वस्थ होगा वही कंट्री तरक्की कर सकता है। हमारे जो बच्चे हैं जहाँ का आपको पता है जो हमारा राजीव नगर का एरिया है, कासिम नगर का एरिया है, जहाँ पर ड्रग्स वगैरह सप्लाई वगैरह होती है, हमारे बच्चे इसका टारगेट हो जाते हैं, वो बच्चे इसका टारगेट ना बने, नशों की ओर ना जाएं, उसी के बारे में जो आज का कैंप था। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे जो लोग हैं जो इस कैंप का पूरा फ़ायदा लेंगे, और जो गरीबों में जो हमारे जो बांटे जा रहे हैं, जो मफलर बांटे जा रहे हैं, गर्म टोपियां बांट जाए, हम उसके लिए भी जितनी भी हमारी NGOs आई हैं हम का दिल की अजीम गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं।